तो हेलो व्हाट्स अप एवरीबॉडी एंड कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो फाइनली गाइस यार आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज को। और यार तुम लोग यकीन नहीं मानोगे कि यार मैं इस वीडियो के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड था, एंड आई नो यार कि तुम लोग भी इस वीडियो के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होगे। तो इसलिए अगर तुम्हें ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक, और हाँ हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार ऐसी मस्त मस्त वीडियो आगे भी आने वाली है। तो चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल जर्नी को। तो ओके गाइस चलो वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चंक भी बढ़ा लेता हूँ, एंड लगे हाथ कोऑर्डिनेट भी ऑन कर लेते हैं। एंड बाकी मैंने अपने वर्ल्ड का नाम बहुत बढ़िया सोच रखा है, तो यस यही वाला मुझे काफी ज्यादा बढ़िया नाम लगा। एंड चलो अब वर्ड को क्रिएट करते हैं। और यार तुम्हें तो पता है कि इसमें कितना ज्यादा टाइम लगता है। An hour later. अरे भाई स्पॉन हो जाए यार। ओके तो फाइनली एक घंटे बाद मैं स्पॉन हुआ हूँ, और यार काफी बढ़िया स्पॉन मिला है मुझे। एंड हमारा जो आज का गोल होने वाला है, सबसे पहले हम लोगों को आयरन का आर्मर बनाना है, देन उसके बाद फिर हमें एक विलेज ढूंढना है, एंड उसके बाद फिर हमें एक हाउस बनाना है। तो गाइज मैंने वुड तो इकट्ठा कर लिया है, एंड अब चलो हम लोग सबसे पहले इसके प्लैंक्स बनाते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं, क्योंकि यार पूरे एक गेम का मात्र सहारा है वो है क्राफ्टिंग टेबल। कैसा? अब यार वो तो मुझे नहीं पता। तो यार फिलहाल के लिए हमारे सारे के सारे टूल्स रेडी हो चुके हैं, एंड चलो हम लोग क्राफ्टिंग टेबल को उठा लेते हैं जल्दी से। एंड मैं सोच रहा हूँ यार कि सबसे पहले मैं फूड ही इकट्ठा कर लेता हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से इतना फूड यार काफी रहेगा। एंड बस अब मुझे स्टोन माइन करना है, जो कि मैं हाँ यहाँ से कर लेता हूँ, पर इस पिकेक्स की हेल्थ भी जाने वाली है। ओके देखते हैं। अरे भाई एक ही में चली गई। तो चलो मैं नई पिकेक्स बना के माइन करके तुमसे मिलता हूँ। ऑलराइट गाइज मैंने काफी सारे स्टोन तो माइन कर लिए हैं, एंड अब चलो हम लोग सबसे पहले स्टोन की टूल्स बना लेते हैं, जो कि मैंने ऑलमोस्ट बना लिया है, एंड इनको चलो फेंक देते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अरे तू जा रही है? ओके यार नाइट तो हो चुकी है, एंड मेरे हिसाब से काफी सारे ज़ॉम्बीज भी आ रहे होंगे, तो यार मैं जल्दी से बेड लगा लेता हूँ, नहीं तो यार ज़ॉम्बीज आके मुझे पेलने लग जाएंगे। ओके तो ये रही क्राफ्टिंग टेबल अपनी, एंड चलो हम लोग ऊपर चलते हैं। ओके कहाँ पर? हाँ यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो चलो गुड नाइट एवरीवन। The next day. ओके गाइस मैं सो के तो उठ चुका हूँ, एंड यहाँ पर सुबह भी हो चुकी है, तो चलो हम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और फिर चलते हैं आयरन इकट्ठा करने के लिए। अरे भाई यार इतनी देर ढूंढने के बाद अब फाइनली कोई अच्छी केव देखने को मिली है, एंड जब कोल मिल ही गया है तो चलो माइन कर लेते हैं जल्दी से। ओके यार तो मुझे यहाँ पर काफी सारे आयरन तो मिले, लेकिन मेरी और लालच बढ़ी और यहाँ पर मुझे और आयरन मिल गए। बट वेट यार यहाँ पर खतरा बहुत है, और ये देखो इनके नमूने भी आ गए। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारी तो अरे भाई दो आ गए यार। यार मुझे लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं। सबसे पहले मेरे पास जितने भी आयरन है, अरे भाई फिर से मार दिया इसने तो, इसकी तो बस निकल गई हवा, हमसे पंगा लोगे। बट यार ये लोग ऐसे ही आते रहेंगे, सबसे पहले मुझे आयरन से शील्ड बनानी होगी। तो यार मेरे पास जितने भी आयरन थे यार मैंने उनसे एक शील्ड बनानी और कुछ टूल्स बना लिए, एंड अब भाई यार ज़ॉम्बियों की तो खैर नहीं, और बाकी चलो हम लोग आयरन को माइन कर लेते हैं जल्दी से। तो यार तुम लोग लिटरली में मानोगे नहीं कि मेरे पास इतने सारे आयरन हो गए हैं कि मैं फेंक रहा हूँ। पर वेट यार इतनी अमीरी दिखाना जरूरी नहीं है, वरना यार कहीं डिस्पॉन ना हो जाए। तो आयरन को जल्दी स्मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस बना लिया है, एंड चलो जल्दी से इसको लगा देते हैं। मेरे पास अभी यहाँ पर 37 आयरन आ चुके हैं, तो चलो इससे हम लोग आयरन का आर्मर जल्दी से बनाते हैं। ओके हेलमेट और चेस्ट प्लेट तो हो गया, अब ये रही लेगिन और ये रहा बूट्स। ओके तो चलो अपने आप को सूट अप करते हैं, ये रही लेगिन एंड ये रही बूट्स। एंड अब भाई कोई भी आ जाए मैं उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ओके तारीफ तो ज्यादा हो गई, एंड चलो हम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और चलते हैं विलेज की तलाश में। वैसे पता नहीं विलेज ढूंढने में भी कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है, और ये देखो भाई मेरे एडवांसमेंट भी आ गई, तो यानी इस अचीवमेंट का मतलब है कि हम लोग अभी भी सर्वाइवल में खेल रहे हैं। एंड बाकी अगर मुझे विलेज पास में मिल जाए तब तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऑलराइट गाइस तो मुझे यहाँ पर विलेज तो नहीं मिला, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे काफी सारी बीज देखने को मिल गई हैं, तो हाँ हम लोग फ्यूचर में भी फार्म बना सकते हैं इन बीज का। और बाकी यहाँ पर मुझे पम्पकिन देखने को फिर से मिल गया है, लेकिन गाइज अभी तक मुझे यहाँ पर विलेज ही नहीं मिला। बताओ मतलब कि यार मैं पिछले आधे घंटे से इस वर्ल्ड में घूमता ही चला जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पर विलेज तक नहीं देखने को मिला। और बाकी यहाँ पर फिर से एक पहाड़ आ गया, तो इसको भी पार करना पड़ेगा। ओके गाइज अभी मैं पहाड़ के टॉप पर तो आ चुका हूँ, एंड भाई यार यहाँ पर मुझे वेट, ओ माय गॉड गाइज लिटरली मैं मुझे यहाँ पर विलेज मिल गया। ओ माय गॉड क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। सही है यार कम से कम पहाड़ पे चढ़ने का कुछ तो फायदा हुआ। पहली बार मैंने जिंदगी में कुछ बढ़िया काम किया है। अब यार मतलब विलेज मिल गया तो समझ लो यार किस्मत के पूरे ताले ही खुल गए। और यार देखने में तो लग रहा है कि यार काफी ज्यादा ही बढ़िया वाला विलेज है ये तो।
और बाकी ये रहा विलेजर जो कि, अरे भाई क्यों भाग रहा है यार? गाइज मुझे लग रहा है कि ये मेरे को देखकर भाग रहा है, इसको लग रहा है कि मैं कहीं इसको मार ना दूं। बट खैर मैं इसको मारने वाला नहीं हूँ क्योंकि यार मेरे आगे ये काम आएगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। और बाकी इसके पास कोई काम भी नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको काम भी दिलवाएंगे। अब गाइस तुम लोग मुझे बताओ कि आखिर यार तुम लोग विलेज में जाते हो तो क्या करते हो? लूटपाट करते हो ना? तो यार मैं भी खजाना लूटने वाला हूँ और भाई देखते हैं। अबे भाई खजाना तो छोड़ो, इसमें एक खजाने का टुकड़ा तक नहीं मिला। क्या यार मैं सोच रहा था कि पूरा विलेज एकदम मतलब अमीरों वाला होगा, लेकिन ये पूरा विलेज तो एकदम टट्टी निकला। तो यार मैं तुम्हें अगर लिटरली मैं बताऊं तो यार पूरे विलेज में बस खाली मुझे दो ही चेस्ट देखने को मिले, और ये है वो हाउस जिसके अंदर दूसरा चेस्ट हमें मिलेगा। ओके तो चलो इसके अंदर कम से कम फूड तो मिला हमें। एंड यार ये येलो वाला बेड काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ और अपनी जगह पर यहाँ पर सफेद वाला बेड रख देता हूँ। और इस चेस्ट में शायद छूट गए थे, हाँ ये देखो पटेटो छूट गए थे अपने। अब इन पटेटो को जब मैं अपने फ्यूचर में फार्म बनाऊंगा तो वहां पर मैं एक का डबल करूंगा। मस्त प्लान है। अब बाकी यार हमने विलेज तो फाइंड कर लिया है, अब चलो अपने लिए कोई जगह ढूंढते हैं घर बनाने के लिए। ऑलराइट गाइस मैंने यहाँ पर एक बढ़िया जगह ढूंढ लिया है और ये देखो यहाँ पर अपने पास में विलेज भी है और मैं यहीं कहीं पर अपना हाउस बनाने वाला हूँ। बट उससे पहले मुझे ये सारी जमीन फ्लैट करनी होगी। अब यार तुम लोग को तो सिर्फ दो ही मिनट रुकना पड़ेगा, लेकिन यार मेरा काफी सारा टाइम जाने वाला है तो चलो मैं मिलता हूँ तुम्हें इसके बाद। 1 billion zillion jillion dillion cotillion times later। तो ओके गाइस फाइनली अपना हाउस तो तैयार हो चुका है एंड बाकी यार मुझे काफी दिन लग गए इसको बनाने में। तो तुम लोग मुझे कमेंट में रेटिंग देना मत भूलना। चलो दिखाता हूँ, 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। तो हाँ यही अपने पहले एपिसोड का पहला हाउस। आई नो यार कि तुम लोगों को ये काफी ज्यादा छोटा लग रहा होगा, लेकिन यार इसके अंदर के जो सामान है वो तुम लोग देखकर चौंक जाने वाले हो। और बाकी अगर तुम लोग मुझे कमेंट करके कहोगे तो मैं यार एक मॉडर्न हाउस भी बनाऊंगा जो कि यार काफी ज्यादा कूल होने वाला है। खैर उसको छोड़ो, और ये देखो भाई कितना ज्यादा मस्त लग रहा है अपना हाउस। एंड यार यहाँ पर एक चीज की कमी लग रही है, तो सबसे पहले मैं अपना आर्मर उतार लेता हूँ और इसको भाई मैं यहाँ आर्मर स्टैंड में लगा देता हूँ जो कि यार देखने में काफी ज्यादा कूल लगेगा। और यार ये जो तुम चमकता हुआ हेलमेट देख रहे हो ये मैंने यार एक जॉम्बी से लिया था, तो चलो इसको पहन लेते हैं। एंड बाकी यार मैंने इस छोटे से हाउस में यहाँ पर देखो स्टोरेज एरिया भी बना रखा है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसके अंदर देखो हमारा थोड़ा सा लूट है जो कि मैंने अभी तक माइंड नहीं किया, और यहाँ पर देखो कितना सारा फूड है अपने पास। सो गाइस तुम लोग मुझे कमेंट में कुछ आइडिया भी दे सकते हो कि यार मैं अपने वर्ड में क्या कर सकता हूँ, और जिसका भाई मुझे कमेंट बढ़िया लगेगा मैं उसको शाउट आउट भी दूंगा। और बाकी आज के इस एपिसोड में यार हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, सबसे पहले आयरन आर्मर को बनाया और उसके बाद भाई विलेज ढूंढा जिसमें यार काफी सारा टाइम चला गया मेरा, और फिर मैंने ये वाला हाउस बनाया जो कि यार मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगा। एंड इसी के साथ इस वीडियो को भी करते हैं एंड, और बाकी मैं मिलूंगा तुम्हें किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले से ऑसम एंड टेक केयर, और हाँ बाय बाय।